जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मीडिया पर बोल न्यूज की जो रिकॉर्ड व्यूअरशिप है, उसने हुक्मरानों की बकायदा नींदें हराम कर रखी हैं। और ये वजह है कि गुज़श्ता रोज़ तहरीके इंसाफ के जलसे के दौरान यूट्यूब की नशरियात पाकिस्तान में तातुल का शिकार रही। पाकिस्तान में तो इमरान खान का जो है फोबिया हो गया है। ठीक है, इमरान खान कहा जा रहा है कि बड़ा पॉपुलर है, लेकिन आज हुकूमत ने यूट्यूब बंद कर दी थोड़ी देर। अच्छा, जो ही खान साहब का जलसा शुरू हुआ, यूट्यूब आज फिर ब्लॉक कर दी गई। YouTube ब्लॉक कर दी। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट की, वो काफी दफा रीट्वीट हुई। इस्तीफा दे दें। अच्छा, अगर SHO या कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनकी बात नहीं मानता, तो भाई आप काम यहाँ करके आ रहे हो। पिशावर जलसे के दौरान इमरान खान की तकरीर ना ही किसी टीवी चैनल ने नशर की, बल्कि तकरीर शुरू होते ही पाकिस्तान भर में सारिफिन की यूट्यूब तक रसाई खत्म हो गई। जैसे इमरान खान की तकरीर खत्म होती है तो YouTube तक रसाई भी बहाल हो जाती है। समझ आई आपको नाजरीन? कई सारिफीन ने ये शिकायत भी की कि वो ट्विटर पर भी तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, फवाद चौधरी ने दावा किया कि जी पाकिस्तान में YouTube को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बंद किया है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं? लिखते हैं कि जी तमाम जो चैनल्स हैं वहाँ पर इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी आई है, जबकि PTA ने YouTube बंद कर दी है। सोशल मीडिया पर सारिफिन की जानिब से हुकूमत के इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, जबकि दुनिया भर में इस इकदाम से मुल्क की जगहसाई हो रही है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने हुकूमत के इस इकदाम की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की और इन इकदाम को डिक्टेटरशिप से ताबीर की है। तमाम तर सेंसरशिप और हुकूमती इकदाम के बावजूद साहब ने कल पिशावर में एक कामयाब पावर शो किया और जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। और इमरान खान ने अपने खिताब में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और आज कप्तान ने चिश्तियाँ में अवाम का लहू गरमाया। आज खिताब उसको निशाना बनाया जा रहा है। बोल न्यूज़ को सिर्फ कैमरा के जरिए ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर बोल हुकूमत और इसके इदारों के निशाने पर है। सोशल के लिए ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये जो सियासी जमातों का 11 सियासी जमातों का मुरब्बा है, ये क्या कर रहा है? इनसे इमरान खान ही कंट्रोल नहीं हो रहा। और यूट्यूब बंद करना क्या कोई मसले का हल है? और जो उन्होंने पिशावर में तनकीद तकरीर की है इमरान खान में, वो तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन काइंडली ये बताएं कि ये यूट्यूब क्यों इतनी हुकूमत बुखला गई है सर? चीमा साहब, ये जो जिर बोतल से निकल चुका है, अब ये अंदर जाना जो है बड़ा मुश्किल है। ये जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है, ये यूट्यूब बंद करने से ये नहीं जाएंगे। खान साहब जब उनके सामने लोग खड़े होते हैं और वो देखते हैं, बार बार कहते हैं कि मैंने टेप रिकॉर्ड करके रख दी है, अगर मुझे कुछ हुआ मेरी कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कभी कहते हैं मैं तुम्हारे चेहरे लोगों के सामने खड़ा कर उतार दूंगा निकाब तुम्हारा। इस वक्त ये देखें, लेकिन जो मैं जिस सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, मैंने खास साहब जो है, मैंने इनका नाम रखा है निकोलो मैकियावेली नियाज़ी। ये असल में इनका जो प्लान है बड़े कामयाब इस चीज में। इनको आज भी इन्होंने पिशावर में तकरीर कम की है, सिनेमा शो ज्यादा चलाया। कौन सी वीडियो छोड़ी उन्होंने? और दूसरा एक, एक, एक और आपके जर्नलिस्ट से बड़ा इंप्रेस्ड हूं, जावेद चौधरी साहब ने प्रेडिक्ट कर दिया था पहले ही, उन्होंने वी लॉग किया था कि आज पिशावर में क्या होगा। मैं देखिए, आपको गोगी याद आ जाती है, आपको फलां याद, केस करें और गोगी जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप उनसे नहीं है, खान साहब से, उसका तो तफ्तीश करें। हुसैन नवाज की ना करें, सलमान शहबाज की ना करें, जो जिसकी 526 कंट्राडिक्शन निकली। ये तो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, फिर अगले दिन के नहीं तो मेरी है, मेरी तो इधर भी नहीं है, मेरी तो उधर भी है, तो वो किधर गई? तो इधर ही सारा काम नजर आ रहा है मेरे प्यारे जावेद लतीफ भाई को। धुआं पास कर लो, फाड़ लो सारे नु। खान साहब ने अगर गलत किया है, दहशतगर्दी की है, तो पकड़ें, मगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और फेयर ट्रायल करें। इसमें क्या? अच्छा, वो सेल लगी, आगे थोड़ा सा चलते हैं। इलेक्शन कमीशन वाला जो केस है, उसमें जो ममनुआ फंडिंग का, वो वैसे तो 19 सितंबर तक मुलतवी हो गया, दो वीक्स और दे दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने जनाब के। आपको जो हमने नोटिस किया उसका हमें जवाब दें। तो 8 साल काजी साहब गुजर गए, 8 साल PTA लड़ती रही इस केस से, अब फिर ये टाइम मांगते हैं। पिछली दफ़ा इन्होंने कहा था 4 हफ्ते दे दें, तो ये केस ये किधर जा रहा है? वैसे जो
अपना इस वक्त कुछ हल्के हैं वो कह रहे हैं कि ये वाकई बहुत सख्त केस है इमरान के लिए। इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड क्या कभी इशराफिया के बंदे को सही तौर पर सजा हुई है? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं। ये तो सही कह रहे हैं। यहाँ पे दो दो घंटे नशरियात बंद करने से दिल ना भरने पर पैमरा को हरकत में लाया गया था। पैमरा ने बोल न्यूज और बोल एंटरटेनमेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजलास मुनक्किद किया और उसके बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट की नशरियात बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाज़रीन, इस बंदिश पर फौरी तौर पर अवामी और सहाफती हलकों की जानिब से रद्द अमल सामने आने लगा। लोगों ने बोल के हक में आवाज बुलंद की। सड़कों से इकदारे अनों तक बोल की बंदिश पर तशवीश का इजहार किया गया। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात का इजलास हुआ जिसमें जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने बोल न्यूज की बंदिश का मामला उठा दिया और उन्होंने डीजी पैमरा से सवाल ये किया कि अगर कोई छोटी मोटी कानूनी कार्रवाई की जरूरत भी होगी तो क्या आप पूरा चैनल बंद कर देंगे? क्या आपको नजर नहीं आता कि बोल न्यूज से हजारों कारकुनान वाबस्ता है? इधर मुल्क में सैलाब है, महंगाई है और आपने एक चैनल पूरा बंद कर दिया। नाज़रीन, इजलास अभी जारी था कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से बोल की नशरियात की बहाली का हुक्म हो गया जो बोल के हक बजानिब होने। इतना हैरान हूं कि अब इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके खान साहब। उन्होंने कहा था या तो ये रेड लाइन से आगे जाएंगे लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि यू टर्न लेंगे। और मैं आप देख ले उनका रिकॉर्ड निकाल के, उन्होंने वीलॉग में कहा था कि इन्होंने 6 सितंबर का जिक्र करना है और इन्होंने कहना है कि मैं फौजियों के ऊपर फूल फेंकता रहा हूँ, 6 सितंबर को मैं बच्चा था, मैं खड़ा था। और आज बिल्कुल पिशावर में उन्होंने वही किया है जो जवेद चौहरी साहब कहते थे। खान साहब ने नारा लगाया, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। लेकिन मुझे एतराजात हैं, कई एतराजात हैं। उसके बाद खान साहब ने जिस तरीके से ये कहा है कि मैं आसफ जरदारी और नवाज शरीफ को अलाउ नहीं कर सकता कि ये मुल्क का आर्मी चीफ ये सिलेक्ट करें, ये पिक करें। लेकिन ये कि इस वक्त जो जिन निकल चुका है इस बोतल से वो ये अब सर मांगता है, अब ये वो सर लेकर जाएगा। अब देखें कि वो किस तरीके से क्या डायरेक्शंस इनकी होती हैं। लेकिन आज उन्होंने फिर वही उसी तरीके से उन्होंने कहा कि तजाद कई चीजों में था उनका। शहबाज गिल को कहते नंगा करके मारा गया, हालांकि इनके अपने डोगर साहब ने आके उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था कोई एतराज, उन्होंने कोई उन पर तशद्दुद नहीं हुआ। रात को 2:30 बजे उन्होंने अपना ट्वीट किया, नहीं उन पर तशद्दुद हुआ। लेकिन ये कि इस वक्त जो मैं हमेशा आपको चीमा साहब कहता हूँ कि सियासी नहीं है, मजहब को और गानों को इकट्ठा किया जिस बंदे ने उसको क्रेडिट देना चाहिए। आज मैं सरप्राइज था जब उन्होंने एक दफा बल्कि उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह साथ ही गाना लग गया था, कहते पास करो। मेरे हर चीज फौज के बारे में बात करनी साथ ही उन्होंने इन्हों रगड़ा गाना साथ इस तरह का लगा देना। मेरे वेरी इंप्रेसिव एंटरटेनमेंट, ये सियासी नहीं है। चल रहा है हुकूमत की जानिब से सेंसरशिप इन जलसों को मजीद बड़ा बनाने में मुनावन साबित होगी और लोगों को जब टीवी और यूट्यूब पे इमरान खान को सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा फिर क्या होगा? तो लोग क्या करेंगे? जलसा गाहों का रुख करेंगे और तहरीक इंसाफ क्या होगी? पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो जाएंगे, पहले से ज्यादा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे जलसों में। उस मेरी ट्वीट के नीचे मकबूजा कश्मीर से जो है भी लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए आगे पीछे के, जनाब जो बातें इंटरनेट की जब आउटेज होती थी इंडिया में जिसके ऊपर हम तनकीद करते थे और इंसानी हकूक की जो तंजीमें उनको बताते थे कि देखिए जी इंटरनेट शट डाउन हो गया है इसलिए कि ये लोगों की आवाज़ छुपाना चाहते हैं, वही हरकत पाकिस्तान की हुकूमत पीडीएम की हुकूमत कर रही है तो अभी इंडिया के ऊपर किस तरह तनकीद करेंगे। एनीवे यूट्यूब की सर्विस दोबारा बंद की गई, अगेन वो चीज़ जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहनी थी इस हरकत की वजह से जो यूट्यूब को बंद किया गया वो अब कल इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस होंगी, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करेगा अपनी हुकूमत की गलती की वजह से, अपनी चलाकी की वजह से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एक खबर है जनाब, वहां पे जो पीटीआई पिटीशन लेके गई थी कि हमारे कुछ लोगों की रेजिग्नेशन मानी गई कुछ लोगों की नहीं मानी गई, ये किस्तों में इस्तीफे कबूल कर रहे हैं, उस पिटीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, इमरान खान के आगे पाकिस्तानी हुकूमत बुरी तरीका से लाचार है। कभी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल को बंद करती है तो कभी यूट्यूब के, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी हाई हो चुकी है कि इमरान खान पाकिस्तानी हुकूमत के कब्जे में नहीं आ रहा। इमरान खान का इमरान फोबिया अब जिन बाहर निकल चुका है जो कि पाकिस्तानी हुकूमत को कब्जा करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इमरान खान अपने जलसे के दौरान किसी न किसी तरह से
कोई ना कोई विवादित बयान जरूर देता है जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत केस भी करती है, लेकिन पाकिस्तान की अदालत इमरान खान के फेवर में ही फैसला सुनाती है, जिससे इमरान खान अभी तक तो बच रहा है। अब इमरान खान ने एक और नया सगुफा छोड़ दिया है। यदि इमरान खान की बात नहीं मानी जाती तो इमरान खान जल्दी इस्लामाबाद को घेरने वाला है। जब इमरान खान इस्लामाबाद को घेरेगा तो ज़रूर कोई ना कोई स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि इमरान समर्थक इस कदर बौखलाए हुए हैं कि इमरान खान जहां कह देता है वो करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी हाई हो चुकी है कि पाकिस्तानी सरकार उसके आगे लाचार हो चुकी है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।